हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कलौंजी से एक ब्लैक हेयर जेल। जी हाँ, कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स, इससे हम बनाएंगे एक हेयर कलर जेल जो आपके बालों को मिनटों में काला करेगा। गाइस, कलौंजी जहाँ नेचुरली आपके बालों को काला करती है, साथ ही हम मिलाएंगे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बालों को परमानेंटली काला करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद आएगी तो मुझे ढेर सारे लाइक चाहिए, शेयर चाहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए कलौंजी, जिसे हम कहते हैं ब्लैक सीड्स, नाइजीरिया सीड्स। बड़ी आसानी से किसी भी पंसारी शॉप में मिल जाएगी, ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच या अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप कलौंजी ले लीजिए। इसे हमको ब्लेंड करना है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनाना है, और पाउडर बनाने के बाद भी इसे हमें छानना है दोस्तों, क्योंकि हम एक हेयर जेल बना रहे हैं जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। छान कर इसका पाउडर आप ले लें, बिल्कुल फाइन सा पाउडर आपको मिल जाएगा इस तरीके से छानने से। अगर आप ऐसे ही लेंगे तो दरदरा रहेगा, लगाने में दिक्कत होगी। तो इसे अच्छे से छान लें और हमारा फाइन सा पाउडर ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ये देखिए। चलिए, अब आपको लेना है एक लोहे का बर्तन। गैस का फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं किया है, इसमें हम लेंगे 1 गिलास का पानी। गैस फ्लेम ऑन मत करिएगा, जब बोलूँगी तभी ऑन करिएगा। 1 गिलास पानी लीजिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डाल रहे हैं दोस्तों, वो है कत्था पाउडर, कैटेची पाउडर, जो किसी भी पान की शॉप में मिल जाएगा और नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। 2 चम्मच हम इसमें लेंगे कत्था पाउडर, 2 चम्मच ले लीजिए। अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग दोस्तों आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है आंवला पाउडर, यानी कि गूसबेरी पाउडर। 2 चम्मच हमें लेना है आंवला पाउडर। मैं आपको दिखा दी चल रही हूँ मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। और थर्ड हम इसमें डालेंगे त्रिफला पाउडर, जो कि कॉम्बिनेशन होता है आंवला, हरड़ और बहेड़ा का। 2 चम्मच ले लिया हमने त्रिफला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को दोस्तों आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक स्पून की हेल्प से या फिर एक विस्क की हेल्प से, इस तरीके से, ताकि कोई लम्स नहीं रहे इस पाउडर में, कोई गांठे नहीं बने। जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको गैस का फ्लेम ऑन करना है। देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है, अब आपको गैस का फ्लेम ऑन करना है। अब इस मिक्सचर को दोस्तों हमें बॉईल दिलाना है। पहले तो हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, बबल्स इसमें आने लगे हैं आंवला पाउडर की वजह से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दोस्तों अपने कलौंजी का पाउडर जो हमने बनाकर तैयार किया था, ताकि साथ ही साथ कलौंजी भी थोड़ी सी फूल जाए, सोलन अप हो जाए, इसको लगाने में आसानी हो जाए और इन सारे पाउडर्स के साथ कलौंजी भी ब्लेंड हो जाए। इसे आपको अच्छे से बॉईल दिलाना है जब तक ये पूरा मिक्सचर जो है 1/4 कप नहीं हो जाता। जितना आपको ये दिख रहा है, ये आधे से भी बहुत कम हो जाना चाहिए, उतनी देर तक आपको इसे बॉईल करना है। और तब तक सारे पाउडर्स की गुडनेस इसमें आ जाएगी। इसमें हम कोई मेहंदी नहीं मिला रहे हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिला रहे हैं, कोई भी केमिकल नहीं मिला रहे हैं। बिना मेहंदी के बहुत बढ़िया सा हेयर जेल बनके ये तैयार होता है। दोस्तों, कलौंजी तो आप सबको पता ही है, बालों में पिगमेंट को प्रमोट करता है, मेलानिन को प्रमोट करता है। और कलौंजी का अगर आप ऑयल लगाते हैं या फिर हेयर पैक लगाते हैं, मतलब अगर हेयर पैक आप लगा रहे हैं और साथ ही साथ कलौंजी का ऑयल भी लगाएं, तो आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। और कलौंजी ऑयल बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, इवन बच्चे भी उसे आराम से लगा सकते हैं। इसे हम अच्छे से बॉयल दिला रहे हैं। नेक्स्ट हमने डाला है इसमें आंवला, त्रिफला और साथ ही साथ कत्था पाउडर। ये तीनों चीज़ें बालों में ब्लैकनेस को प्रमोट करती हैं, बाल हमेशा से ब्लैक हो जाते हैं। देखिए, हमारे पेस्ट की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, बिल्कुल 1/4 ये रह गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे हम अब रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, यानी बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसमें आगे की चीज़ें करेंगे। इसे मिक्स करके रख लें और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दें अपने आप से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक बार दोबारा से आप इसे मिक्स कर लें। और अब हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप चाहें तो प्लांट का ले सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट का ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले लें। 3 से 4 चम्मच अच्छे से आपको एलोवेरा जेल मिलाना है, ताकि एक जेल कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसे आपको मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से, कोई लम्स नहीं रहे। और दोबारा से दोस्तों इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छा ब्लैक कलर का हो जाए। कलौंजी, आंवला और त्रिफला सारा चीज़ अपना कलर छोड़ दे और बिल्कुल ब्लैक सा टेक्सचर इसका हो जाए। ढककर इसको छोड़ दीजिए 5 से 6 घंटों के लिए आराम से, और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। देखिए, 5 से 6 घंटों के बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा।
हमारा हेयर पैक बनके तैयार है। इसे बहुत आराम से आप ब्रश की हेल्प से, फिंगर टिप से किसी से भी लगा सकते हैं, बट उंगलियां काली हो जाती हैं, ख़राब सी हो जाती हैं, तो मेक श्योर करें कि आप ग्लव्स पहन के लगा रहे हो। अच्छे से इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। अगर आप फिंगर से लगा रहे हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके बालों में बहुत अच्छी सी मसाज हो जाएगी। लगाने के बाद आपको इसे 2 घंटों के लिए छोड़ देना है दोस्तों। कोशिश करें कि 2 घंटों के लिए छोड़ दें, तभी आपको बढ़िया सा कलर मिलेगा। शावर कैप या कोई भी पॉलिथीन से कवर ज़रूर करें, क्योंकि ये ड्राई नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए इस हेयर पैक में। लगाकर छोड़ दें, 2 घंटों के बाद नॉर्मल पानी से वॉश करें और ऑयलिंग करें, नेक्स्ट डे ही शैम्पू करें। अगर आपके पास कलौंजी का तेल है तो आप कलौंजी के तेल से ही ऑयलिंग करें, अच्छे से मसाज करें और नेक्स्ट डे ही शैम्पू करें। आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, आप आके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए गाइस, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को क्लिक कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।